हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन कैसे होती है और हमारे कैसे इफ़ेक्ट देता है, मिटिगेशंस क्या हम कर सकते हैं, इन सारी जो पर्सपेक्टिव हैं इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक होते क्या हैं। देखो, फोटोकेमिकल स्मोक इस तरह से धुंधला वातावरण दिखता है जो कि जो ट्रैफिक को बाधित करता ही है, साथ ही साथ ये हमारा एक काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन होते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, एक तरह से एयर पोल्यूशन है और जनरली कहाँ पे देखने मिलते हैं, हमारे अर्बन एरिया में देखने मिलते हैं और अर्बन एरिया में भी उन रीजन में जहाँ पे हाई ट्रैफिक होता है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में पर्टिकुलरली आपको थर्मल जो पावर प्लांट है वहाँ पे और हाई ट्रैफिक एरिया में, अर्बन एरिया में हमारी फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलती हैं। अब इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन के लिए जो हमारी प्राइमरी जो पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारी दो टाइप के हैं। एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका मतलब नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा हो गया। दूसरा हमारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है, ये देखो जो केमिकल होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं एयर में, ठीक है, ऐसे केमिकल जो वेपराइज हो जाती हैं एयर में उनको बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल तौर पर पेंट, यदि पेंटिंग हो रही है तो पेंट के कुछ केमिकल्स जो होते हैं एयर में हमारी फैल जाते हैं। वैक्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से हमारे निकलते हैं, थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं और इसके अलावा जो हमारे व्हीकल्स का इमिशन होता है वहाँ से निकलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दोनों ही सनलाइट की उपस्थिति में हमारी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनाते हैं जो कि हमारी ओजोन होती है और PAN होती है। ठीक है, तो ओजोन और PAN दोनों ही हमारा क्या करता है, ये हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं और एयर ये हमारा जो एटमॉस्फेयर होती है उसको धुंधला बना देता है और यही हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक होता है। तो अब फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल गया होगा फॉर्मेशन कैसे होती है। अब बात करते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक जब होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारी जो सांस लेने की तकलीफें बढ़ जाती है यदि जहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक हुआ है, ठीक है, और आई में इरिटेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी जो लंग है वो भी वहाँ पे डैमेज हो सकते हैं यदि जहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक है, क्योंकि वहाँ पे ओजोन जो हमारी एक तरह सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो हमारी हेल्थ के लिए हजार्डस होती है। PAN होती है वो भी हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस होती है। इसके अलावा यदि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो रहे हैं या ट्रीज हैं तो उनको भी नुकसान पहुँच जाता है, क्रॉप की डैमेज होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक होती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो नहीं पाते हैं, इसकी वजह से क्रॉप की डैमेज होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या ट्रीज़ की भी हमारी नुकसान होती है उसकी प्रोडक्टिविटी में। तो इतने सारे हमारे इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे धुंधलापन वहाँ पर आता है, मतलब यदि आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ठीक से दिखता भी नहीं है, जिससे कि वजह से एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाती हैं। ये हमारा इफ़ेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसको कैसे मिटिगेट किया जा सके। तो इसका जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उसको यदि हम रिड्यूस कर दें तो हम मिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि जो जो रिस्पॉन्सिबल हमारे जो फैक्टर्स हैं फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन होने का उसको रिड्यूस हमको करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबल हमारे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, VOC हैं, तीन मेजर हैं। तो इसके लिए एक हमारा जो प्रोटोकॉल आया था 1999 में, गोथिन वर्क प्रोटोकॉल, जो कि यूरोपियन कंट्री में आया था, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। इसके थ्रू बात की गई थी कि हम जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या VOC है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको इमिशन को हम रिड्यूस करें। ठीक है,
तो इसको रिड्यूस हम कर सकते हैं, थर्मल पावर जो प्लांट हैं उसको मिनिमम यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, तो इसके वजह से हम इमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रीन जो फ्यूल्स हैं जैसे सोलर जो हमारी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या जो हमारी अदर जो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है, उन सब को यूज करें तो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक का हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो दो ही हमारा मेजर यहाँ पे मिटिगेट करने का तरीके हैं, या तो इमिशन को कंट्रोल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करें, दूसरा हमारे ग्रीन फ्यूल का ज़्यादा यूज करें, दोनों ही तरीके से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फोटो केमिकल स्मोक क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होती हैं, इफ़ेक्ट कैसे क्या क्या है, मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, और गोथिन वर्ग जो प्रोटोकॉल है 1999 का, उसको भी यहाँ पे हम लोग कवर किए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। नाइट ऑफिसर, थैंक यू।